बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं जर्नल बनाने। जर्नल क्या है, हम लोग अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े हैं ट्रांजेक्शन के बारे में। तो ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में मेंटेन किया जाता है उसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसी बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एंट्री की जाती है। और लास्ट में आप जानते हैं 6-7 क्लास में आप पढ़े होंगे कि प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन में आप पढ़े होंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सेल माइनस टोटल परचेज। आप देखे होंगे कि सेल से परचेज को माइनस करने के बाद आपका क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। बाय द वे यदि परचेज एक्सेस हो जाता है तो लॉस हो जाता है। यानी अगर आप प्रॉफिट को जानना चाहते हैं या लॉस को जानना चाहते हैं, एक्यूरेट प्रॉफिट क्या हुआ और एक्यूरेट लॉस क्या हुआ, तो इसके लिए आपको टोटल सेल की जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ साथ टोटल परचेज की भी जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल सेल की जानकारी कैसे होगी, क्या कोई बिजनेसमैन एक दिन जितना ट्रांजेक्शन किया वो याद रख सकता है? मान के चलते हैं एक दिन का याद रख सकता है, एक सप्ताह का याद रख सकता है क्या? अगर एक सप्ताह का भी याद रख सकता है तो एक महीने का याद रख सकता है क्या? अगर एक महीने का याद रख सकता है तो क्या एक साल का याद रख सकता है क्या? नहीं रख सकता है। अगर याद नहीं रखेगा तो फिर एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी? आप जब मार्केट जाते हैं और बहुत सारे मटेरियल को परचेज करना होता है तो आप क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देखते चलते हैं कि कौन सा मटेरियल परचेज हुआ, जो परचेज हुआ उस पर टिक आउट करते हैं, जो नहीं परचेज हुआ उसको परचेज करते हैं। तो आप एक छोटी सी शॉपिंग के लिए लिस्ट बनाते हैं तो किसी बड़े बिजनेस के लिए क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, टोटल सेल क्या हुआ, टोटल परचेज क्या हुआ, इसके लिए भी तो एक लिस्ट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मेंटेन करना होगा उसे। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको तो पता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ने के बाद आप जानते होंगे कि ट्रांजेक्शन टू टाइप्स के हो गए, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसे हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी जिसको हम पैसे में बता सके, जैसे ये चौक जो है 1 रुपीज का है, ये टी शर्ट जो है 500 का है, पेन जो है 10 रुपीज का है, बुक जो है 400 का है। तो जिसे आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो फिनेंशियल अकाउंट है, और जिसे मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे टीचर गुस्सा के अगर एक थप्पड़ किसी को मारता है, ऐसे मारना अलाउ नहीं है, तो वो थप्पड़ कई रुपए का होगा, नहीं हो सकता है। अगर पिताजी आपके गुस्सा के आपको डांटते हैं तो वो डांट कितने रुपए का होगा, आप नहीं इवेल्युएट कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के दो मैनेजर के बीच में डिस्प्यूट होता है किसी टॉपिक पर, या कोई असहमति होती है और दोनों के कारण जो लॉस होता है उसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आपके धोनी के संन्यास लेने के बाद भारतीय क्रिकेट को क्या लॉस हुआ, इसका कैलकुलेशन मॉनेटरी टर्म में नहीं हो सकता है। तो जो मॉनेटरी टर्म एक्सप्रेस हो जाए वो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और अकाउंट में ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है। ओके, अगर अकाउंट की लैंग्वेज की कोई बात करता है तो अकाउंट की लैंग्वेज जो है मनी है, और मनी के लैंग्वेज में ही हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जिस बुक में मेंटेन किए जाते हैं उसी को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रांजेक्शन कम होते हैं, और जब ट्रांजेक्शन कम होते हैं तो वही उसी में डिफरेंट नेचर के ट्रांजेक्शन को मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास एक ही रूम है तो वही रूम उसके लिए स्टडी रूम हो जाएगा, वही रूम उसके लिए पूजा घर हो जाएगा, वही उसके लिए डाइनिंग रूम हो जाएगा, वही किचन भी हो जाएगा। तो एक छोटे से घर में जिस तरीके से हम डिफरेंट वर्क कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से वह ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ट्रांजेक्शन की संख्या कम है, मिनिमम ट्रांजेक्शन है, वो डिफरेंट नेचर के ट्रांजेक्शन को कहां मेंटेन कर लेता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में।
लेकिन जहां पे ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं उसके लिए इस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को डिवाइड किया जाता है, जिसे हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक 8 होते हैं। देयर आर इसे आप जर्नल कहिए या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहिए, बात एक ही हुआ। ओके, फर्स्ट कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक हो गया, बिल्स पेबल हो गया, और लास्ट जो होता है वो होता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर हम अभी बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, जर्नल की बात करने चलते हैं। तो इसके साथ साथ सब्सिडरी बुक की भी बात हो गई कि देयर आर 8 सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल। फर्स्ट कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। अभी हम बात करते हैं सिर्फ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल की। जर्नल जो है फ्रेंच वर्ड का, फ्रेंच लैंग्वेज का जोर वर्ड से बना है। किससे बना है? जोर, जोर से बना है। जोर का सेंस होता है डे बुक, डे बुक या डायरी, हिंदी में उसे कहते हैं दिवस, रोज या दिन कहते हैं। तो जर्नल क्या है? जिस बुक में हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में भी एंट्री करने से पहले हम मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक में एंट्री करते हैं। ओके, तो आगे हम जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं और जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, आइए देखने चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल में हम देखते हैं कि 5 कॉलम होते हैं। जनरली बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आता है कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, तो जर्नल में कॉलम हो गए 5। और फॉर्मेट क्या होगा जर्नल का आप देखेंगे। इसी फॉर्मेट में हम ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के तकनीक क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये हो गया डेट, पार्टिकुलर, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। ये DR और CR क्या है तो आपको मैं बता दूं कि DR और CR के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ वर्ड मिले हुए हैं, जैसे डेटर और क्रेडिटर। तो जिस तरीके से डॉक्टर में डियर होता है, डी फर्स्ट में होता है, आर लास्ट में होता है, उसी तरह से डेबिटर में डी फर्स्ट में होता है और आर लास्ट में होता है, क्रेडिटर में सी फर्स्ट में होता है, आर लास्ट में होता है। लेकिन
डेबिटर को कुछ लोग डेबिटम से भी लिया हुआ मानते हैं और क्रेडिटर डेबिट को डेबिटम से और क्रेडिट को क्रेडिटम से मानते हैं। आइए हम जर्नल की बात करते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल का जो फर्स्ट कॉलम हुआ वो हुआ डेट। इसमें हम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का जो डेट होता है, किस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ, उसको हम मेंटेन करते हैं। पार्टिकुलर में जो ट्रांजेक्शन की समरी होती है उसे हम मेंटेन करते हैं। एलएफ जो दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म हुआ लेजर ऑफ फोलियो। लेजर ऑफ फोलियो का अर्थ हुआ खाता पृष्ठ संख्या। खाता पृष्ठ संख्या पहले मोटी मोटी अकाउंट्स की बुकें होती थी। अब कौन से ट्रांजेक्शन का जर्नल किस पेज में है और उससे संबंधित लेजर किस पेज में है, तो पेज नंबर लिखा जाता था। सपोज कीजिए यहाँ कोई जर्नल लिखा गया तो इसका लेजर किस पेज में है, हम यहाँ पेज नंबर दिया करते थे। लेकिन यह कॉलम आज के डेट में आउट ऑफ डेटेड है। अब हम इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं, यानी अब लैपटॉप से हम मेंटेन कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो पेज नंबर की कोई नीड नहीं है। जैसे ही हम ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे हमारा लेजर भी पोस्ट हो जाएगा, तो हमें पेज नंबर की कोई जरूरत नहीं है, यानी लेजर ऑफ फोलियो की नीड हमें नहीं है। डीआर अमाउंट हो गया डेबिट अमाउंट। डेबिट डीआर जो है डेबिटर से बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि डेबिटर से बना है, कुछ लोग कहते हैं कि ये डेबिटम से बना है। ओके? तो जिस तरीके से डॉक्टर में डीआर होता है, इंजीनियर में ईआर होता है, यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, उसी तरीके से डेबिटर से भी डीआर बना हुआ है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को लेकर। तो ट्रांजेक्शन का जो डेबिट साइड का अमाउंट होगा उसे हम डीआर अमाउंट में, और ट्रांजेक्शन का जो क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा उसे हम क्रेडिट अमाउंट में मेंटेन करते हैं। डेबिट क्रेडिट के बारे में हमने बता दिया कि डेबिट डीआर जो है डेटर से बना हुआ है और सीआर जो है क्रेडिटर से बना है। अब डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आप पढ़े होंगे। अब हम बात करने चलते हैं कि हम जर्नल में एंट्री करते कैसे हैं। तो थोड़ी सी एंट्री की बात कर लेते हैं। एंट्री करने के दो मेथड हैं हमारे पास। फर्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? द टाइप ऑफ एंट्री सिस्टम इन विच वी मेंटेन ऑल ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल वे। जिस एंट्री सिस्टम में हम सभी ट्रांजेक्शन को सिंगल वे में मेंटेन करते हैं, यानी वन साइड मेंटेन करते हैं, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ये एंट्री सिस्टम किसी ट्रांजेक्शन के विषय में फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। आगे हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंट्री सिस्टम, तो वहां पे हम इसे डिटेल करेंगे। आप सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सभी ट्रांजेक्शन को सिंगल वे में मेंटेन किया जाता है, यानी सिंगल साइड मेंटेन किया जाता है। यानी वह एंट्री सिस्टम जिसमें सभी ट्रांजेक्शन को सिंगल साइड मेंटेन किया जाए, एक ही साइड मेंटेन किया जाए, वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। सेकंड है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं कि डबल एंट्री सिस्टम का डेवलपमेंट जो हुआ वो ल्यूकस पैसियोली ने किया, जो इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। उन्हें फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1494 में, और उसी में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? वह एंट्री सिस्टम जिसमें जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, उनको टू साइड मेंटेन किया जाता है, यानी टू वे मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट डेबिट साइड और सेकंड क्रेडिट साइड।
ल्यूकस पेसियोली ने देखा कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका टू वे इफेक्ट होता है। सपोज कीजिए कि आपका 10 रुपीज का पेन कहीं गिर जाता है और वो किसी को मिल जाता है, तो आपको नुकसान कितने का हुआ? 10 रुपीज का, और उसको बेनिफिट कितने का होगा? 10 रुपीज का। तो ल्यूकस पेसियोली ने यही देखा कि एक ट्रांजेक्शन का जो प्रभाव होता है वो दो जगह होता है। आपके पेन लॉस हुए तो आपको लॉस हुआ 10 रुपीज का, किसी व्यक्ति को वो पेन मिला तो उसे प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। तो पेन एक ही गिरा और कहीं प्रॉफिट हुआ कहीं लॉस हुआ, आपके पास से पेन गया तो उसको पेन मिला। तो उसी के बेस पर ल्यूकस पेसियोली ने अपनी डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? वह एंट्री सिस्टम जिसमें ट्रांजेक्शन को टू साइड डेबिट और क्रेडिट मेंटेन किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। यह बहुत ही साइंटिफिकली एंट्री मेथड है और बहुत ही पॉपुलर एंट्री मेथड है। सिंगल एंट्री सिस्टम आज के डेट में आउट ऑफ डेटेड है, इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, यूज नहीं किया जा रहा है। मोस्टली डबल एंट्री सिस्टम का ही हम यूज कर रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिकली भी है, पॉपुलर भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से एंट्री होती है, डेबिट साइड में एंट्री कैसे होती है, क्रेडिट साइड में एंट्री कैसे होती है, इसके लिए हम चलते हैं कि डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है। तो जर्नल को बनाने के लिए डेबिट क्रेडिट को जानना बहुत जरूरी है, तो डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। आइए चलते हैं डेबिट क्रेडिट को जानने। जर्नल बनाने के लिए हमें पहले अकाउंट्स की कैटेगरी को जानना बहुत जरूरी है। तो हम अकाउंट्स की कैटेगरी पे आते हैं। अकाउंट्स की बात करते हैं, और जब हम अकाउंट की स्टडी करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स को शॉर्ट में हम ऐसे करते हैं, और सेकंड हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। अब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, हम लोग हो गए, वो सब क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें ह्यूमन बीइंग्स जनरली रहते हैं तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। जैसे यहां देख लीजिए, कैश पेड टू राम, तो यहाँ राम जो हुआ वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि राम जो है ह्यूमन बीइंग। ओके, तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा और उसमें कोई नेम आएगा, नेम ऑफ पर्सन आएगा, तो वो कौन सा अकाउंट होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आप ऐसे कहेंगे पर्सनल अकाउंट, लेकिन जब पूछा जाएगा कि पर्सनल अकाउंट में ये कौन सी कैटेगरी है, यानी पर्सनल अकाउंट का कौन सा टाइप है, तो आप बताएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे A1 कोचिंग सेंटर हो गया, टाटा जनरल स्टोर हो गया, पंकज सिनेमा हो गया, आपका सदर हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी संस्था हो गई, SDS कॉलेज हो गया, भागवत विद्यापीठ हो गया, तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो आर्टिफिशियल अकाउंट में जैसे कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, अब यहां बैंक कौन सा अकाउंट हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। तो याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जब अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन आप कर पाएंगे तभी आप जर्नल एंट्री करेक्टली कर पाएंगे। उसके बाद बारी आती है थर्ड की, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के साथ बस इतना याद रखिए कि जब किसी एक्सपेंसेस या इनकम के पहले कोई वर्ड यूज किया गया है, जैसे अब कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा वो देखिए, ये नोट करने वाली बात है, आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग को आप ड्यूज कहेंगे, यानी जो बकाया, उसके साथ साथ एडवांस या प्रीपेड ये एक्सपेंसेस के साथ जनरली रहेगा। तो जिस एक्सपेंसेस के साथ ये वर्ड यूज हो जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद थर्ड, इनकम के साथ क्या आएगा, अनअर्न इनकम, या इसके साथ हो सकता है एकर्ड, ये इनकम के साथ होगा। तो ये वर्ड जिस एक्सपेंसेस और इनकम के साथ ऐड हो जाएंगे वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर ऐड नहीं है, जैसे वेजेज एक्सपेंसेस है लेकिन उसी के साथ हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आप हमेशा याद रखेंगे किसी इनकम या एक्सपेंसेस के साथ अगर ये वर्ड आते हैं तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम इसके बाद बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। तो जब हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट रियल अकाउंट, जितने भी असेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट है। असेट्स क्या है, आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े हुए हैं, एनी वैल्यूएबल थिंग्स। किसी भी मटेरियल को खरीदने में यदि आपने कुछ पेमेंट किया है या बेचने में पैसा रिसीव किया है या किसी वस्तु को बेचने से कुछ पैसा हमको मिल सकता है तो वो हमारे लिए असेट्स है और वो रियल अकाउंट के हेड में आएगा, ओके। जब हम रियल अकाउंट की कैटेगरी करते हैं, रियल अकाउंट की स्टडी करते हैं, तो रियल अकाउंट भी टू टाइप्स के होते हैं, वो है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या है, जो दिखाई देता है, जो फिजिकली एग्जिस्टेड है, ये चौक हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका यूज कर रहे हैं, ये टेंजिबल है। आपका मोबाइल जो है वो फिजिकली एग्जिस्टेड है, तो जो एसेट्स फिजिकली एग्जिस्टेड है या जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, जिसका आकार है, शेप है, वो है टेंजिबल, और जिसका शेप नहीं है वो है इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल में कौन कौन आएगा मैं बताता हूं। आपने सुना होगा या आपने देखा होगा एक कंपनी है जो ये सिंबल यूज करती है, ये हो गया एलजी की, ये ट्रेडमार्क कहलाता है। या आपने थम्सअप की बोतल पर इस तरीके का सिंबल देखा होगा, थम्सअप, तो इसे हम कमर्शियल टर्म में ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क जो होता है एक ऐसा मार्क है जो किसी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। आजकल ट्रेडमार्क के साथ साथ एक पंच लाइन आ रहा है, जैसे मैं आपसे कहूं कि तेरा है पर मेरा है, आप समझ जाएंगे कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डर के आगे जीत है, अगर हम कहें तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये भी जो है इनटेंजिबल असेट्स है, क्योंकि इससे उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है। तो इनटेंजिबल पे हम विशेष फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि टेंजिबल क्या है और इनटेंजिबल क्या है। तो शॉर्ट में आप जान लीजिए कि जो असेट्स का अपनी शेप हो, कलर हो, जिस जो टचेबल हो वो हमारा टेंजिबल हो गया, जिसका कोई शेप नहीं हो, जो टचेबल नहीं हो लेकिन वैल्यूएबल हो वो इनटेंजिबल हो गया। तो कोई भी असेट्स है वो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट का जो सेकंड हुआ वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम असेट्स अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली असेट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जितने भी लॉस हैं, लॉस एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट, प्रॉफिट और गेन, ये जितने भी होंगे वो सब किस अकाउंट से आएंगे,
नॉमिनल अकाउंट से आएंगे। तो इस तरीके से अकाउंट्स को हमने डिटेल किया। तो अकाउंट्स मेनली कितने होते हैं, टू टाइप्स के। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपका जो रिप्लाई होगा वो टू होगा, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर कोई पूछता है कि इन प्रैक्टिकली अकाउंट कितने होते हैं, तो इन प्रैक्टिकली अकाउंट थ्री हो जाते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड रियल और थर्ड नॉमिनल। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिकली कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट इन प्रैक्टिकली, तो आप बताएंगे कि थ्री, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से हम अकाउंट्स के बारे में स्टडी कर लिए। अब अकाउंट्स में हम डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं उसके बारे में जानने चलते हैं। अब रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बहुत ही इजी है। आप देखें, यहां हम कर देते हैं अकाउंट्स, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। फर्स्ट हमने बताया कि इन प्रैक्टिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, अब पर्सनल अकाउंट होगा तो पर्सनल अकाउंट में हम रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। रिसीवर और गिवर का जो ट्रीटमेंट है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि कैश पेड टू राम। अपने को बिजनेसमैन मान के आप देखिए कि जब हम राम को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर राम क्या होगा, रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो जब हम राम को पेमेंट करेंगे तो राम यहाँ रिसीवर होगा, और जब रिसीवर होगा तो रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट कैसे करेंगे वो हम आगे बता रहे हैं। तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। सपोज कीजिए कि यही जर्नल एंट्री है, यही ट्रांजेक्शन है, और यहीं पे हो कि कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो राम से पैसा मिला, तो यहां पर राम क्या हो गया, गिवर हो गया। तो गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से रिसीवर और गिवर को समझना है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है सेकेंड हो गया अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स है कम्स इन को डेबिट करेंगे, कम्स इन को डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट। तो आपको पता है कि ये असेट्स से रिलेटेड होता है, तो असेट्स हमारे पास या तो आएगा या फिर जाएगा। तो जब हम परचेज करेंगे तो असेट्स हमारे पास आएगा, और जब हम सेल करेंगे तो असेट्स हमारे पास से जाएगा। जैसे फर्नीचर परचेज, जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारे पास फर्नीचर आएगा। फर्नीचर परचेज फॉर कैश कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो फर्नीचर हमारे लिए असेट्स हो गया और कैश भी हमारे लिए असेट्स हो गया। तो जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे या कुछ भी खरीदते हैं, तो जो कुछ खरीदते हैं वो हमारे पास आता है और पैसा हमारे पास से जाता है। तो फर्नीचर यहाँ पर हमने परचेज किया तो हमारे पास फर्नीचर आएगा, यानी फर्नीचर कॉम्स इन। तो फर्नीचर कॉम्स इन होगा तो कॉम्स इन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैश गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट करेंगे, यानी कैश को क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे।
नॉमिनल अकाउंट, लॉस और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन्स को या प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे रेंट पेड, रेंट हमारे लिए खर्च हो गया, हम कोई पेमेंट करते हैं, जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेज होगा, और जब एक्सपेंसेज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। अगर हम सैलरी रिसीव करते हैं तो जब किसी हेड के थ्रू हम पैसा रिसीव करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, तो वो हमारे लिए इनकम हो जाता है और उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से आप रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को जाने, इतना आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जर्नल बनता है, और नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल बनाना आपको सिखाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास से आप जर्नल बनाने लगेंगे, इसकी हमारी गारंटी है। तो इतना आप तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।